37 पे और साथ साथ एनए 14 पे भी पूरी खत्म कर रहे हैं, पूरी कंप्लेन बाबर साहब बाबर खान के कंट्रोल में है। फिर पुनीत लुकमानी साहब माशाल्लाह हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह स्टूर साहब। तो इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि सारी उम्र इमरान का साथ दिया, आज इमरान खान ने मुझे रिकॉर्ड किया और ऐसी बेहतरीन टीम दी है कि मैं फिर रहा हूँ 18-20 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल मुतमईन हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मुझे कोई ये फिक्र नहीं है कि मेरी कंपेन सही नहीं हो रही या मेरी वोटर लिस्टें तैयार नहीं हो रही या मेरे लोग प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच रहे, ये सारा कुछ बाबर सलीम खान का मैं फिर मशहूर हूँ कि उसकी मेहरबानी है कि ये सारा कुछ चल रहा है। अब हमारे पुराने जितने तरक्याती काम है आपके सामने हैं उसमें हर जगह पर गिला किया जाता है कि पानी का बड़ा मसला है, मानसिले का पानी नहीं मिला। तो अब बाबर खान ने लास्ट अपनी अप्रूवल करवा दी थी 18 रुपये इस वक्त दिन चला पाइपलाइन में अप्रूव हुआ है और इन शाह हम दोबारा आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मानसरा का पानी का हम करेंगे, कब्रिस्तान का करेंगे, कब्रिस्तान का हम मुजाफाती जहाज में भी सारा कुछ मैनेज करेंगे और इसके अलावा टूरिज्म वगैरह का हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बाबर खान ने एक प्रपोजल सबमिट करवाई हुई थी उस पर हम काम करेंगे। इन सब के अलावा चूँकि मेरा अपना बैकग्राउंड कंप्यूटर है तो मैं इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर लिटरेसी पे, कंप्यूटर की तालीम पे पूरा दौर लगाऊंगा, वो रहने 14-15 दोनों में मैं करूँगा। उसमें हमारी जो भी पोजीशन हुई इंशाल्लाह ताला बाबर खान और मैं, आदम खान साहब, सितारा मुस्तासर साहब, हमारे दूसरे MPS, इंशाल्लाह सब का प्रॉमिस है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और बच्चों को हम कंप्यूटर की तालीम पे अकेडमीज के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, इंशाल्लाह ताला हमने अगला 5 साल फर्स्ट प्रायोरिटी हमने टेक्निकल एजुकेशन पे देनी है और इंशाल्लाह ताला 5 साल के एंड पे आप लोग देखेंगे कि मानसरा आज से 100 गुना ज़्यादा खुशहाल हो चुका है और बेहतर सिचुएशन में है। तो ये आप सब लोगों के दुआओं का नतीजा है कि इस बार आप लोगों को इमरान खान की एक बेहतरीन टीम मिली है जो आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट देगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 8 फरवरी पे। तो ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं है, ये आप समझें कि पाकिस्तान की ये स्ट्रगल है, ये जहाद है और हर मुसलमान पाकिस्तानी का ये फर्ज है, इसको आप अपनी ड्यूटी समझें, इसको आप अपने पे वाजिब समझें कि ये वोट आपका एक वोट जो है ना ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, अगर इसको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना मिली, अच्छे लोग ना मिले तो पाकिस्तान इससे ज़्यादा बदहाली में जाएगा। पाकिस्तान के बदहाली में जाने का मतलब है कि लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो आए आपस में वादा करते हैं, अहद करते हैं कि 8 तारीख को हम लोगों ने टाइमली अपना वोट कास्ट करना है, इमरान खान को जिताना है और उसको जेल से बाहर निकालना है। ये इंशाल्लाह ताला हम सब की कामयाबी होगी और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान एक प्रॉपर ट्रैक पे दोबारा चढ़ गया है। जो तरक्की हमने पिछली दफ़ा मिस की है इमरान खान के बाद, हम इसको वापस लेके आएंगे और बहुत जल्दी लेके आएंगे और पूरी ताकत के साथ लेके आएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बाबर खान की भी आई कमिटमेंट है तो पाकिस्तान, PTI, इमरान खान।